हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है एक हॉल वीडियो। रिसेंटली मैंने शुगर की ऐप से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे जो मुझे आज रिसीव हुए हैं। मैंने सोचा क्यों ना वो प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूं, क्या क्या मैंने मंगवाया है, प्लस उनका जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर करूं कि मुझे वो उतना वर्थ लगे या नहीं। इससे पहले मैं कभी भी शॉपिंग करती थी तो मैं हमेशा नायका से ऑर्डर करती थी। फर्स्ट टाइम मैंने शुगर की ऐप से ऑर्डर किया है। ये सारे प्रोडक्ट मैंने खुद अपने पैसों से खरीदे हैं, ये कोई भी कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या मंगवाया है तो देखते रहिए ये वीडियो। मुझसे रुका नहीं गया था तो मैंने इसे ओपन कर दिया, लेकिन इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अभी तक मैंने ओपन नहीं किए हैं, तो चलिए उन्हें ओपन करते हैं और देखते हैं मैंने क्या क्या मंगाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बिल मिला था जो थोड़ा फट गया है, सॉरी, और मैं इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स निकालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी ताकि मैं प्राइस भी आपको साथ के साथ बता पाऊँ। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, शुगर की साइट पे अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, लाइक मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला, इसलिए मैंने शुगर की साइट से ऑर्डर किया। सो अगर आप भी चाहते हैं तो आप अभी जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है उनकी साइट पे। सो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये विंगमैन वाटरप्रूफ लाइनर। मुझे बेसिकली कुछ ऐसा चाहिए था लाइनर में जो मैं इजीली अप्लाई कर सकूं, और पेन लाइनर से ज़्यादा इजी आई डोंट थिंक कोई और चीज़ होती है। सो इसे ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, नॉर्मल पेन है, नथिंग न्यू। नॉर्मली सारे ही पेन लाइनर ऐसे ही होते हैं। सो इस पे ये फिल्म थी, मैंने निकाल दी है। या दिस इज इन द शेड नंबर 01 आई विल बी ब्लैक। इस पे शुगर का लोगो है और कुछ नहीं है। सो इसको देख लेते हैं कैसा ये है। या दिस इज रियली पिगमेंटेड एंड दिस इज रियली सॉफ्ट। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली इजी टू यूज इट। बाकी इसका रिव्यू मैं यूज़ करने के बाद ही आपके साथ शेयर करूँगी। एग्जैक्ट रिव्यू मेरा क्या रहेगा वो मैं इसे यूज़ करने के बाद आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दिस रिटेल फॉर रुपीज़ 499 और मुझे ये मिला है 399 में। सो इस लाइनर के साथ मुझे फ्री मिला है ये प्लुश, आई डोंट नो मैं ये ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, प्लुश ब्रांड का ट्रैवल साइज सैनिटरी पैड किट। दिस इज 100% प्योर US कॉटन। 3 पैड्स का ये पैक है, एक लाइट फ्लो के लिए, एक हैवी फ्लो के लिए और एक है बेसिकली पैंटी लाइनर। इसके साथ ये एक कार्ड मुझे रिसीव हुआ है। दिस इज बेसिकली अ डिस्काउंट कोड फ्रॉम दिस सेम ब्रांड। सो या थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। सो नेक्स्ट है ये लिपस्टिक। ये उनकी नथिंग एल्स मैटर की रेंज से है, लॉन्ग वेयर लिपस्टिक है। दिस इज इन द शेड नंबर 26 टोमेटो टॉम हैटो। सो इसे ओपन कर लेते हैं। जस्ट लुक एट दिस पैकेजिंग, वाओ दिस इज सो ब्यूटिफुल। आई डोंट नो इसका शेड कैसा होगा, क्योंकि जब मैंने देखा था तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये इतना ज़्यादा ऑरेंजी सा शेड होगा, बट लेट्स सी। इसे ओपन करते हैं। ओह It's not that orangey. It's a very pretty shade. I like it. This retail for $5.99 and I got this for $4.79. So next hai Dream Cover SPF 15 Mattify Compact. Basically maine compact order kiya tha. ये है इन शेड नंबर 15 कैपेचिनो। ओपन कर लेते हैं इसे। और दिस इज हाउ इट लुक्स। शुगर का बड़ा अच्छा एक ये लोगो है इस पे, एंड पीछे मेंशन किया हुआ है सेम इसका नाम, और इसमें UVA UVB प्रोटेक्शन है, प्लस इट्स अ पैराबिन फ्री, क्रुएल्टी फ्री। इसका वेट है 6 ग्राम। एक्चुअली इसमें डेट भी मेंशन की है, आप कब तक इसको यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स पे ऑब्वियसली काफ़ी प्रोडक्ट्स पे डेट मेंशन नहीं होती है,
और आप कई बार नहीं याद रख सकते कि आपने कब उसको परचेज किया था. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट शुगर. वो अपने हर चीज पे, ऑलमोस्ट हर चीज पे अब एक्सपायरी डेट मेंशन जरूर करता है. ओपन होने पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ पे ये रिमूव कर देते हैं फिल्म. सो यहाँ पे आपको पाउडर मिलेगा, बेसिकली आपका कॉम्पैक्ट, एंड इसके नीचे आपको मिलता है ये स्पॉन्ज जिस पे शुगर का लोगो बना हुआ है. वाओ, दिस इज वेरी सॉफ्ट. ये बहुत सॉफ्ट है, आप चाहे तो इसे आराम से यूज कर सकते हैं. इस पे MRP है 499 और ये मुझे 399 में रिसीव हुआ है. सो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ये सेटिंग स्प्रे. ये बेसिकली अभी शुगर ने 3 सेटिंग स्प्रे लॉन्च किए हैं जिसका नाम है ग्रैंड फिनाले ड्यूई सेटिंग मिस्ट. इसमें 3 तरीके के मिस्ट शुगर ने अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं, जिसमें एक है मैट, एक है हाईलाइटेड और एक है ये ड्यूई. सो मैंने ये ड्यूई वाला ऑर्डर किया है एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पैकेजिंग. शुगर की सारी पैकेजिंग बहुत सुंदर होती है. मुझे बेसिकली इनकी पैकेजिंग बहुत पसंद है. ये बॉटल कुछ इस तरीके का दिखता है, साइज में थोड़ा स्मॉल है. पीछे इसके प्रोडक्ट के बारे में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप हर प्रोडक्ट की डिटेल्स जरूर चेक कीजिए. इसकी स्मेल बड़ी अच्छी है. इसकी स्मेल अच्छी है, आई डोंट नो इसका काम कितना अच्छा होगा, वो मुझे यूज करने के बाद ही पता चलेगा. बट आई मस्ट से कि मुझे मैक के फिक्स प्लस की स्मेल और काम ज़्यादा पसंद है. आई डोंट नो मुझे इसका काम कितना पसंद आएगा, वो भी पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में यूज़ करते करते. सो इसकी MRP थी 699 और मुझे ये मिला है 559. सो यार, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला है इस पर, बट ठीक है. सो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये क्लिंजिंग वाटर. मेरा बेसिकली मेकअप रिमूवर फिनिश हो गया था तो मैंने सोचा मैं क्यों ना शुगर का मेकअप रिमूवर क्लिंजिंग वाटर ट्राई करूँ. सो इसका रिव्यू मैं अभी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसमें से कोई भी प्रोडक्ट अभी ट्राई नहीं किया है. जैसे जैसे मैं ट्राई करूँगी आपके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी. बट या पैकेजिंग सेम है, शुगर की सारी पैकेजिंग सेम होती हैं. बॉटल कुछ इस तरीके की दिखती है. ये आपके फेस पे क्लिंजर का भी काम करता है, प्लस आपके फेस को टोनिंग भी प्रोवाइड करता है, एक्सफोलिएट भी करता है और हाइड्रेशन भी देता है. दिस इज अ 4-in-1 क्लिंजिंग वाटर. तो अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली शुगर का ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं. तो इसकी MRP है 399 लेकिन ये मुझे रिसीव हुआ है 319 में. सो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये प्राइमर. तो दिस इज द सूदिंग प्राइमर. दिस इज बेसिकली अ लाइट वेट प्राइमर. ये शाइन फ्री प्राइमर है. तो ये कुछ ऐसा दिखता है. ये बेसिकली ट्यूब फॉर्म में है एंड ब्लैक कलर का ट्यूब है. वेरी प्रिटी. बट आई थिंक ये प्रोडक्ट काफ़ी कम है क्वांटिटी. इसका प्राइस है, इसका MRP है 799 लेकिन ये मुझे पड़ा है 639 में. बट स्टिल इवन फॉर 639 दिस इज अ लिटिल लेस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी. थोड़ा सा और वो ट्यूब बड़ा कर सकते थे. जो मेरे पास पहले है वो है मैक का प्रेप एंड प्राइम रेंज का प्राइमर जो कि हल्का सा शिमरी टाइप का है. वो बेसिकली अगर आप अप्लाई करो तो उसके बाद आपके फेस पे थोड़ा सा ड्यूई टाइप का लुक देता है. सो मैं कुछ मैट ट्राई करना चाहती थी तो मैंने ये ऑर्डर किया है. इसका रिव्यू भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी किसी ना किसी वीडियो में. नेक्स्ट मैं बेसिकली ट्राई करना चाहती थी शुगर का फाउंडेशन. सो मैंने फाउंडेशन के लिए चूज़ किया है ड्रॉप द बेस सिरम फाउंडेशन. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. बेसिकली इसमें सिरम और फाउंडेशन साथ में है. इसे ओपन कर लेते हैं एंड ये कुछ इस तरीके की बॉटल में है. ओके, ये मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी. ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको फाउंडेशन की बॉटल में ड्रॉपर मिल रहा है, क्योंकि इससे बहुत इजी हो जाता है फाउंडेशन को निकालना. अदरवाइज जैसे मेरे पास मैक का स्टूडियो फिक्स है उसके साथ मैंने ड्रॉपर नहीं लिया था. अगर आपको ड्रॉपर चाहिए तो अलग से परचेज करना पड़ता है मैक में. तो उसके साथ मैंने ड्रॉपर नहीं लिया था और उसके साथ मोस्टली ये होता है कि जितना प्रोडक्ट मुझे चाहिए उससे एक्स्ट्रा निकल जाता है और फिर वो सारा प्रोडक्ट वेस्ट जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो ये क्लेम करता है कि ये काफ़ी थिन फाउंडेशन है क्योंकि इसमें ऑब्वियसली सिरम है तो ये उतना हार्ड नहीं हो सकता. एंड दिस इज़ अ स्किन परफेक्टिंग एंटी एजिंग फार्मूला दैट प्रोवाइड सीमलेस कवरेज फॉर अ यूथफुल नेचुरल फिनिश.
इसका रिव्यू भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। पैकेजिंग अच्छी है इसकी, आई डोंट नो आप देख सकते हैं कि नहीं, इसके अंदर ये फॉर्म आया है जो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कांच की बॉटल है। मोस्टली होता है कभी कभी अगर आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन तो आपके प्रोडक्ट्स डैमेज हो जाते हैं, सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये मैंने शेड नंबर चूज़ किया है 27, आई डोंट नो ये मेरी स्किन के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, बट सो दिस इज हाउ इट लुक्स। मैं बेसिकली मैक का शेड नंबर NC35 यूज़ करती हूँ, और मैंने शुगर की साइट पे चेक किया था जहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ था कि इफ़ यू वांट टू नो योर शेड, सो उन्होंने मैक का NC37 से लेके NC25 तक शेड नंबर 27 सजेस्ट किया था, सो मैंने उनके सजेशन के बेस पे ये ऑर्डर किया है। दिस वॉज बेसिकली फॉर 450 और ये मुझे मिला है 360 में। गाइज ये मेरी सेकेंड वीडियो है मेकअप हॉल की, सो ऑब्वियसली मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर इस वीडियो में मैंने कोई भी क्वेश्चन मिस किया है या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, सो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बार में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सकता है उन कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। सो लास्ट ये बेसिकली पाउच है शुगर का, जिस पे एक तरफ शुगर का ब्रांड नेम है एंड दूसरी तरफ लिखा है रूल द वर्ल्ड वन लुक एट अ टाइम। कुछ ऐसा ही सिमिलर सा पाउच नायका भी अपने प्रोडक्ट्स के साथ देता है, या फिर आप कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ देता है, तो आप इस पाउच को यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी चीज़ें रखना चाहें इस पाउच के अंदर। नॉर्मली ये पाउच सेफ्टी के लिए होते हैं ताकि प्रोडक्ट्स आपके ख़राब ना हो जाएं। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया था स्ट्रोक ऑफ जीनियस हैवी ड्यूटी कोल 01 ब्लैक टू ब्लैक, सेम काजल का मैंने ग्रीन कलर में ऑलरेडी परचेज किया हुआ है जो कि मैंने पिछली किसी वीडियो में यूज भी किया था। अगर आप चाहें तो मैं वो लिंक मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मूला मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा लुक लग रहा था उसे यूज़ करने के बाद, काफ़ी डिफरेंट लुक लग रहा था, सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें ब्लैक काजल भी यूज़ करके देखूँ। ओपन कर लेते हैं इसे, सो बेसिकली कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसका स्वॉच, वाओ, अब पिगमेंट देख सकते हैं। यहाँ मैंने ये काजल यूज़ किया है और ये मैंने लाइनर यूज़ किया था, जो मैंने लाइनर दिखाया था आप दोनों का पिगमेंट देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। दिस इज़ अ वेरी पिगमेंटेड काजल, आई डोंट नो ये कितनी देर लास्ट करेगा और ये स्मज होगा या नहीं, वो सब डिटेल्स ऑब्वियसली मैं आपको बाद में अपना रिव्यू वीडियो में शेयर कर दूंगी, बट अभी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा, इसका पिगमेंट काफ़ी अच्छा है। तो इसका रिटेल प्राइस है 249 और ये मुझे पड़ा 199 में। ओके दिस इज स्ट्रेंज, मैंने ये शॉर्पनर शुगर से ऑर्डर नहीं किया था, उन्होंने इसका भी अमाउंट इसमें चार्ज किया हुआ है। 249 का ये MRP है और ये 199, 200 रुपये का शॉर्पनर जो कि मैंने चूज़ नहीं किया था कहीं पे भी, ये उन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है। अब आई डोंट नो ये फ्री है या इसका चार्ज उन्होंने किया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ग्रीन वाला ऑर्डर किया था तब उसके साथ शॉर्पनर फ्री आया था, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इसमें अमाउंट वाले सेक्शन में अमाउंट दिखा रहा है, दैट मीन्स कि उन्होंने चार्ज किया है, बट आई डोंट नो किया है या नहीं किया है। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने 200 रुपये चार्ज कर लिया, बट मेरे पास ऑलरेडी दो शॉर्पनर्स हैं और ये अब तीसरा मेरे पास आ गया है, मैं इसका क्या करूँगी मुझे नहीं पता। सो नेक्स्ट मैंने कुछ लिपस्टिक्स ऑर्डर की थी, सो वो भी फटाफट ओपन कर लेते हैं। सो फर्स्ट लिपस्टिक है फ्रॉम द रेंज नथिंग एल्स मैटर लॉन्ग वेयर लिपस्टिक, सो ये मैं प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सेम रेंज से मैंने दो लिपस्टिक्स और ऑर्डर की हैं, सो एक का शेड है शेड नंबर 12 चीक ओवर, एंड एक का शेड नंबर 20 प्लम अलाइव। दोनों का मैं आपको स्वॉचेस दिखा देती हूँ। सो दिस इज अ ब्लैक पैकेजिंग, प्लेन ब्लैक पैकेजिंग, और इसकी पैकेजिंग ऑब्वियसली अलग थी। सो दिस इज द शेड नंबर 20, इट्स अ वेरी प्रिटी मजेंटा काइंड ऑफ अ शेड,
थोड़ा पिंक में है, सो आई डोंट नो काफी लोगों को ये पसंद आएगा, बड़ा ही कॉमन सा शेड है। एंड नेक्स्ट इज शेड नंबर 12, ये कुछ इस तरीके की दिखती है। सो दिस इज शेड नंबर 12, ये थोड़ा डार्क ब्राउन शेड है। मेरे पास इन दोनों शेड्स की लिपस्टिक नहीं थी, तो यार मुझे ये कलर बहुत ही पसंद आया, वेरी प्रिटी। सो इनमें बेसिकली शाइन नहीं है क्योंकि ये मैट लिपस्टिक्स हैं, दे आर लॉन्ग वेयर लिपस्टिक्स, बट ये मुझे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि कितने टाइम के लिए ये स्टे करने वाली हैं। तो इनका प्राइस था 499 और ये मुझे रिसीव हुई है 399 की ईच। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ये क्लिक मी अप रेंज से लिपस्टिक, दिस इज इन शेड नंबर 04। सो आपने कलर बार की लिपस्टिक देखी होगी, वो क्लिक वाली, ये बेसिकली उसी तरीके की लिपस्टिक है। पीछे से यहाँ से आपको इसको क्लिक करना है, यहाँ पे ये कलर है। इसको बहुत ज़्यादा क्लिक मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि मैंने रिव्यू में भी ये चीज़ देखी है, काफी लोगों ने बोला है अगर आप काफी 2-3 बार क्लिक कर देंगे इसमें काफी सारा प्रोडक्ट आ जाएगा, वो वापस जाएगा नहीं, अंदर आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। सो हम बस एक बार क्लिक करेंगे, या ये हल्का हल्का ऊपर आ रहा है, आई डोंट नो आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा ये ऊपर आया है। सो दिस वन इज दी क्लिक मी अप लिपस्टिक, ये भी बड़ा अच्छा कलर है, मुझे काफी पसंद आया। ये कलर भी काफी इजीली आप वेयर कर सकते हैं, हर ड्रेस के साथ चला जाएगा ये कलर। दिस इज ऑल्सो अ मैट लिपस्टिक, मुझे शिमरी लिपस्टिक्स नहीं पसंद जिसमें शाइन होती है, मुझे वो लिपस्टिक ग्लॉस नहीं पसंद, मुझे मैट लिपस्टिक ज़्यादा पसंद आती है। कभी कभी शाइन वाली लिपस्टिक फिर भी चल जाती है, बट या मोस्टली मुझे मैट लिपस्टिक ज़्यादा पसंद आती हैं। सो या मेरे कलेक्शन में अभी कुछ न्यू लिपस्टिक्स ऐड हो चुकी हैं। तो ये बेसिकली 350 की MRP है इस पे, और ये मुझे रिसीव हुई है 280 की। दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल लिपस्टिक एंड आई थिंक आप ये भी इजिली परचेज कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको ये हॉल पसंद आया हो। डू लेट मी नो अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोज देखना चाहते हैं, प्लस अगर इस वीडियो के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ रह गया जो मैंने मिस कर दिया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।